बात करेंगे जगदलपुर की। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल एक अलग अंदाज में यहां दिखे हैं। ग्रामीणों से पानी की शिकायत का आवेदन मिला तो खुद समस्या जानने के लिए पहुंच गए गांव नूतनपाल और रात में ग्रामीणों के साथ गांव में रुककर उनकी समस्या को जाना। फिर गांव में ही ग्रामीणों के साथ पारंपरिक भोजन का भी उन्होंने आनंद उठाया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, तो अति संवेदनशील गांव है नूतनपाल। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बस्तर कलेक्टर रजत बंसल जो है इस अंदाज में। अक्सर हम देख सकते हैं कि जो इस तरह के कलेक्टर होते हैं गाड़ियों के साथ अच्छे खासे अपने साजबाज के साथ होते हैं और अपना एक रुबाब होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अलग अंदाज में नजर आए हैं बस्तर कलेक्टर रजत बंसल। तो गांव में ही ग्रामीणों के पास पहुंचे, उनका हालचाल जाना, उनकी समस्याएं सुनी, फिर ग्रामीणों के साथ ही पारंपरिक भोजन का भी उन्होंने आनंद लिया। तो ऐसे में कलेक्टर रजत बंसल का कहना है कि अति संवेदनशील गांव है नूतनपाल और यहां पर पहुंचकर लोगों का इन्होंने हालचाल जाना, उनकी समस्याएं जो है जानी। आपको बता दें यहाँ के ग्रामीणों ने पानी की शिकायत की थी। प्रशांत गजबी हमारे साथ जगदलपुर से जुड़ गए हैं, उनसे हम जानते हैं। जी प्रशांत, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अति संवेदनशील है गांव ये नूतनपाल और ऐसे में यहां पर कलेक्टर का पहुंचना और इस अंदाज में देखना काफी बड़ी बात है। जी बिल्कुल शाहिदा, जिस तरीके से कलेक्टर पहुंचे हैं और सबसे अहम बात यह है कि ग्रामीणों की सूचना मिली थी, ग्रामीणों की शिकायत मिली थी कलेक्टर को कि पानी की समस्या है उन क्षेत्रों में, उसको देखने के लिए खुद कलेक्टर कल देर शाम वहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद जब ग्रामीण उनको वहां पर रोका तो वो रुक भी गए और रात जो है उन ग्रामीणों के बीच में रहे और जो पारंपरिक खाना है वो पारंपरिक खाने का लुत्फ भी उठाया। और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से उनका अंदाज था कि ग्रामीणों के साथ उनके वेशभूषा में उनके साथ बैठकर नीचे खाना खाया तो ग्रामीणों में एक अपनापन आता है और जिस तरीके से जो समस्या का सिर्फ उनको जानकारी मिली थी और जानकारी मिलने के बाद ही तुरंत वो वहां पर पहुंचे, ग्रामीणों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से इससे पहले भी हमने देखा था एक बार अति संवेदनशील क्षेत्र कोलिंग भी पहुंचे थे तो वहां पे भी ग्रामीणों के रोकने पर वो वहां पर रात रुक गए थे। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि लगातार कलेक्टर जिस तरीके से अंदरूनी इलाकों का दौरा कर रहे हैं और जो सूचनाएं मिलती है अंदरूनी इलाकों से कि ये समस्या है, समस्या को जानने के लिए खुद वो वहां पर पहुंच जाते हैं, ये एक बड़ी बात है। और ऐसी स्थिति में जब ग्रामीण कलेक्टर को जिले के सबसे बड़े अधिकारी को अपने बीच में पाते हैं तो काफी खुश होते हैं और खुशी का उनका ठिकाना नहीं होता और साथ ही साथ जो समस्याएं होती हैं उनका त्वरित निवारण भी होता है, ये एक अहम बात है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि कलेक्टर ने जिस तरीके से अपना अंदाज दिखाया है वो कहीं ना कहीं आकर्षित कर रहा है ग्रामीणों को और ग्रामीण जो है कलेक्टर को अपना समझ कर सारी चीजों का की जानकारी तो दे ही रहे हैं और वहां पे उनका निराकरण भी हो रहा है। जी प्रशांत, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम कलेक्टर का ये अंदाज भी देख पा रहे हैं कि अपनी गाड़ियों से दूर, अपनी ठाट बाट और रुबाब की जिंदगी से दूर एक आम ग्रामीण की तरह नजर आए इस तरह से बस्तर कलेक्टर रजत बंसल।